चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये पहली पंचायत है जो इस तरह की हरी चुनरी 800 साल पहले खाप पंचायत के पास में महिला आर्मी थी। हमारे पास में यहाँ पे उसमें 48,000 महिलाएं थी। अगली पंचायत भी सिसोली की पंचायत महिला हरी चुनरी महिला चौपाल होगी। पंचायत जो होगी हमको इकट्ठा होकर इन सब चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। भाई सभी का धन्यवाद जो हमारी माताएं बहने यहाँ पे आई, उन सबका खास करके ये पहली पंचायत है जो इस तरह की हरी चुनरी जो एक किसान मजदूर चौपाल लगाई ये गोहले गांव में, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को है, बच्चों को है, लड़कियां हैं, अपनी बात नहीं बता सकती। आदमी तो ये है कि चला गया, उसने अपनी समस्या कहीं बता दी, लेकिन जो घर की समस्याएं हैं, कुछ बड़ी पॉलिसी सरकारों की आ रही है वो उसकी भी हम जानकारी देंगे। तो ये इसीलिए लगाई, जैसे ये जिनका फोटो है यहाँ पर आप लग रहा है, ये जो महिलाएं हैं जो हरी चुनरी में, ये पंजाब का फोटो है। इनकी मेंबरशिप 6 लाख महिलाएं इस संगठन से जुड़ी हुई है, बड़ा संगठन है। तो हमने भी ये कहा कि भाई हरी चुनरी जो प्रोग्राम है वो हमारे भी चलेंगे, उससे राशन की समस्या है, होगा एक राशन डीलर हमारे से नाराज होगा। ग्रुप बना रखे हो ना, राशन देते नहीं, ग्रुप बना लिए गाँव में। महिलाएं जो भूमिहीन मजदूर महिलाएं हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, उन्हें घास की दिक्कत है, राशन महंगा हो गया उसकी दिक्कत है, और जो आने वाली समस्या है वो बहुत खतरनाक समस्या है। दूध की कंपनियां बाहर से एक एग्रीमेंट भारत सरकार से कर रही है, वे 22 रुपए लीटर तक दूध गांव में बेच देंगे। क्या 22 रुपए लीटर जब दूध कंपनियां बाहर का बेचेगी तो हमारा पशु धन जो है, अगर हम उससे दूध तैयार करते हैं तो 22 रुपए में पड़ता है, क्यों महंगा पड़ता है? अगर वे 22 रुपए में बेचेंगे तो हमारा तो पूरा पशुधन खत्म होगा। वे महिलाएं क्या करेंगी, जो मजदूर महिलाएं हैं जो घास खेत से काट के अपने दो पशुओं को पाल के और अपना गुजारा कर रही, वो खत्म होगा। जो किसान भी है जिससे खेती भी है उसको भी नुकसान है, क्योंकि राशन और वो सारी चीज लगाओ तो महंगा पड़ रहा है आज दूध। और 5-7 साल 10 साल में जब पशु खत्म हो जाएगा उसके बाद में जैसे फोन के रेट उन्होंने बढ़ाए ऐसे ही फिर दूध के भी रेट बढ़ेंगे, एक ये समस्या आने वाली है। जो किसान हैं उनके सामने बड़ी समस्या है, उनके भाव की जो फसल के दाम है वो नहीं मिलते, जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बैठ रहा है, उसमें आपस में लड़कों रहे कि मजदूर और किसान लड़ रहा गांव के गांव में। किसान मजदूर कहता है जी मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते, वो कहता है कि मेरा गुजारा नहीं चल रहा, और लूटने वाला कोई और है, हमको बटने की जरूरत नहीं है, आप रुको आप बैठ जाओ भाई, अरे आप तंग ना करो इसको बैठो। लूटने वाली कंपनियां हैं, हमको अपने कम खर्चे करने पड़ेंगे, हमारा कम खर्चा ही हमारी आमदनी होगी। शुरुआत महिलाओं को बच्चों को करनी पड़ेगी, नशे की प्रवृत्ति है उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा, कन्या भ्रूण हत्या है ये सामाजिक उसमें आएगा उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा, महिलाओं की बीमारियां हैं उस पर भी हम काम करेंगे, बच्चों की एजुकेशन पे है उस पर भी हम काम करेंगे, सब उस पर काम करना पड़ेगा। टीचर कौन है, बच्चे कौन स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं, क्या टीचर ये नहीं कि तनख्वाह लेने वाले टीचर है पढ़ाएंगे नहीं है, वो भी एजुकेशन का काम है, पढ़ाना पड़ेगा। हम जो भी छोटी चीज होगी उससे काम करेंगे उसी लेवल पे,
ये पहली पंचायत यहाँ पे हुई, इसके बहुत से इशू इसमें आएंगे और बड़ा तैयारी के साथ में यहाँ की महिलाएं सारी आई, आसपास से तो नहीं आई लेकिन गोले गांव से महिलाएं निकली पहली बार, नहीं तो ये रहता था कि भाई महिला तो निकल ही नहीं रही। और भी जो सरकारों की पॉलिसी आ रही है, जो किसान है उसको समस्या आएगी, अभी उन्हें सरसों का तेल हर घर में यूज होता है, किसी को पता भी नहीं होगा कि सरसों के तेल में भारत सरकार ने एक परमिशन दे दी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जो जहरीली सरसों होगी एक किस्म से, क्या सरसों कोई आदमी खाता नहीं, क्या हर घर में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। हम बहुत दिन से उसका विरोध कर रहे थे लेकिन अभी 4-5 दिन पहले से उसकी परमिशन भारत सरकार ने दे दी, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, तो हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बहुत से कानून भारत सरकार लेकर आ रही है, बहुत सी पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही है, हमें नहीं पता वोट जहां दोगे दे लियो उसका नहीं हमें, लेकिन आंदोलन में सब गांव के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। पट्टे की जमीन सारी कैंसिल होगी, जिसके भी पट्टा होगा, भारत सरकार का एक एजेंडा चल रहा कि पट्टों की जमीन कैंसिल होगी, सब सरकारों के कब्जे में जाएगी, फसलों के दाम नहीं मिले, किसान भी दुखी होगा। गांव से प्लान बहुत स्पीड सा हो रहा है कि गांव से लोग जा रहे हैं, एक लोग वे जा रहे हैं गांव से कि जो गरीब आदमी है, उसने कहा भाई गांव में कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं यहां से। एक पढ़ा लिखा आदमी गांव से जा रहा जिसकी नौकरी लग गई, उसने भी गांव छोड़ दिया, मैं बच्चे बाहर पढ़ाऊंगा, मैं भी छोड़ रहा, खेती में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब गांव में एग्रीकल्चर पॉलिसी खराब है सरकारों की, हमको इकट्ठा होकर इन सब चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। जिस तरह से कानून देश में आ रहे हैं, जिस तरह से सरकारों का रवैया हो गया, सरकारें मान नहीं रही, सरकार बांटने का काम कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम में बांट रही, वो एससी नॉन एससी में बांट देती है। आप देखते हैं कि एससी की बस्ती अलग होगी, कहने लगा भाई वहां नहीं जाना, वे तो और जगह जा रहे हैं। भाई जब आप उनसे बात नहीं करोगे तो और जगह तो चले जाएंगे। आपस में किसान संगठन में कोई भेदभाव नहीं है, किसान संगठन सबका है, ये हिंदू मुस्लिम का है, एससी का नॉन एससी का है, शेड्यूल कास्ट का, सबका, इसमें कास्टिज्म की बात है ही नहीं कहीं पे भी। तो आप ना कुछ वो करें कि किसान संगठन में कोई एक ही जाति के या चार जाति के या उसके लोग हैं, इसमें सब जातियों के लोग इसमें हैं, सब जातियों की महिलाएं इसमें हैं, अपनी बात आप रख सकते हो, बैठ लो बेटे बैठ जाओ थोड़ी देर, अपनी बात आप रख सकते हो गांव में। हाँ, कोई भी समस्या हो, जो गांव के अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष यहाँ पे बनेगी, आप उसको रखिए। पहली पंचायत करी ऐसी नहीं, पहली नहीं, अगर आज से हम करीब करीब 800 साल पहले की बात करें, 1200 ईस्वी में, 800 साल ये हो गए, 800 साल पहले खाप पंचायत के पास में महिला आर्मी थी हमारे पास में यहाँ पे, उसमें 48,000 महिलाएं थी, जो आपकी चौपाल और ये पढ़नी है, पूरा खाप पंचायत सिस्टम था, 48,000 महिलाएं हमारे पास में खाप पंचायत के पास में, दुनिया की, पूरी दुनिया में सबसे पहली महिला आर्मी वो हमारे इस क्षेत्र के पास में थी, 48,000 महिलाएं उसमें थी, आज से 800 साल पहले थी। तो हमारी तो सारी महिलाएं सारी बहादुर हैं। जो बच्चे आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी खेल में भी बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2-3 लड़कियां बड़ा बढ़िया काम यहाँ पे कर रही, वॉलंटरी का काम कर रही, ये आगे बढ़े बच्चे, जो समस्या है उसको बतावे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं लड़ोगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। ये हरी चुंदरी इसलिए करी कि किसान की उसकी पहचान हो, क्योंकि अगर खेत में घसियारी भी काम करने जा रही तो भी हरा घास ही ढूंढती है, भाई हरा घास कहाँ मिलेगा बढ़िया, तो उसे ही ढूंढते हैं अपने पशु के लिए। किसान भी हरी ज्वार बढ़िया होगी, बरसी होगी, वो होगी, खेती बढ़िया हरियाली होगी तो भी उसी को ढूंढता है। ये आएगी कहां से चुन रही, यानी कि
कोई एक संगठन है वो दे देगा ना। जब आप अपना कपड़ा खरीदते हो तो एक दो चुनरी जरूर खरीद ले, आपस में उसमें भी तो देते हैं, क्या होई पे दे। अब ब्याह शादी में के जब कपड़े मंगवाओ तो भाई वह भी मंगवा करो, हरा कपड़ा भी दिए भाई, मेरी सास मेरी बहन या वो भाई बताइयो कि पहरे भाई। तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, एक साल का टारगेट रखेंगे हम इसका, एक साल में मुजफ्फरनगर में पूरे में बड़ी तादाद में पंचायतें होगी। और अगली जो पंचायत होगी सिसोली में 17 तारीख की होती है, पिछले 35 साल से अगली पंचायत भी सिसोली की पंचायत महिला हरिचुंदरी महिला चौपाल होगी, पंचायत जो होगी। अब के जितने भी हमारे देखो कैसे बैठे सारे के सारे, आज वे पीछे आप आगे हो, क्योंकि वे यहां बैठ जाते थे सारी बहने घूंघट कर रही थी उनते, वे वहां अब पीछे रहेंगे वे। अच्छा दूसरा, शराब का नशा जिसके घर में कोई करता हो उसका फार्मूला है हमारे पास में, उसका फार्मूला भी है। अगर एक आदमी शराब का नशा करता है जो वो बीड़ी पी रहा, उसका हिसाब लगा लो, अगर वो 25 रुपए की रोज पी रहा और घर में 10 आदमी है तो हो गए 250 रुपये रोज, उसे कह दे के सबको दे दे 25-25 रुपए और एक महीने का एडवांस 250 रुपये के हिसाब से, या तो बीड़ी छोड़ दे या हमें एक महीने का दे दे एडवांस हमारे खाते में, हम कुछ भी करें तो अपने आप छोड़ देगा, जो नहीं छोड़ देगा बताइयो। आपको तैयार रहना पड़ेगा मजबूती के साथ में। बहुत सी पॉलिसी आ रही है उसमें बताएंगे, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, महिलाओं का मेडिकल की फैसिलिटी है, ये उन सब चीजों पे बातचीत होती रहेगी, आप अपना बताते रहना। पेड़ लगाना है क्योंकि पर्यावरण एक इंटरनेशनल इशू हो गया पूरी दुनिया का, पेड़ एक शुरुआत यहां से ही कर लेते हैं भाई, कोई नई लड़की आई गांव में शादी हो कहीं बहू आई कोई, चलो भाई दोनों एक पेड़ लगा लो तो शुरुआत होगी, कितनी शादी होगी वो तो पेड़ लगाओगे तो वह कम से कम आएगी तो उस पेड़ में पानी भी देगी, तो उसी से हमारे जंगल खड़े हो जाएंगे। हम इन चीजों पर भी बच्चों को एजुकेशन पढ़ाई वो भी जरूरी है, आप स्कूलों को भी देखो कि टीचर वहां पे आ रहे नहीं आ रहे, बच्चों की पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, क्या वहां पे व्यवस्था है, इन सब चीजों पे भी आप देखें। ये एक शुरुआत हुई है और ये शुरुआत आगे बढ़ेगी, मुजफ्फरनगर से शुरुआत इसकी हुई और इन सब चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो माता जी थी हमारी ये भी जेल बहुत गई, उस टाइम पे बहुत महिलाएं जाती थी जेल गई, बाराबंकी में लाठीचार्ज हुआ जेल के अंदर ही, वहीं इनका चोट लगी उसी से ही फिर इनकी डेथ हुई। तो धीरे धीरे बीच में अब छूट गया, नहीं तो दादी थी वे मेरठ के जब 27 दिन वहाँ 28 दिन धरना चला तो 28 से 28 दिन वहाँ पर रही, हर गांव से जाती थी। अगली पंचायत फिर किसी गांव में करेंगे और यहाँ से भी जब 17 तारीख की पंचायत हो तो ये नहीं कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, निकलती है। अगर किसी का डेथ हो जाए कह लगे भाई उसके वहाँ की है बामडोली की उसके वहाँ डेथ होगी और वहाँ चलना, कह लगे सारी पड़ोसियों की महिलाओं को ले ले, मतलब रोने के लिए महिलाएं और पंचायत में महिलाओं को आने का बैन है, कह ले ना ये क्या करेंगी जाके वहाँ पे, अरे इनका क्या काम है पंचायत में। और किसी की डेथ हो जाओ कह लगे रोने के लिए भाई ना ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा दो सबको, ये वहाँ चले जाएंगी उनके, तो अब ये चलने का नहीं। आप अपना बढ़िया मजबूत आपने पंचायत को दिखा, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज आपकी पंचायत हुई तो पूरी फोर्स लग रही है, आप महिलाओं की पंचायत हो रही भाई क्या करोगे, मका बातचीत करेंगे भाई, अपनी बात रखेंगे उनके सामने, उन्हें इकट्ठी करेंगे। अब जितनी महिलाएं आई तो ये इस तरह से तो कभी इकट्ठी हुई नहीं, कभी तीज त्योहार पे मेले पे, नहीं तो अपना कोई किसी के खेत में उसमें काम करे तो ऐसे ही इकट्ठी हो। तो ये आप पंचायत भी करो, हर महीने की एक पंचायत कोई सा दिन यहाँ पर रख लेंगे,
हर महीने की एक पंचायत महिलाओं की होगी गांवों में, अपना इकट्ठी होगा, अपनी बात करो, किसी की कोई समस्या हो तो उस पर लिख लो, लिख के आप उसको बता सकते हो। जो यहाँ की अध्यक्ष रहेगी, जो गांव की बनेगी, वही थाने में फोन करो, अधिकारी को फोन करो समस्याओं के लिए, तो उसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन कहना पड़ेगा आपको, भारत सरकार से बड़ा संघर्ष चल रहा है, वो बहुत पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, गलत पॉलिसी होगी तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि बहुत सी पॉलिसी गलत लेकर आ रही। बीज का एक कानून आएगा अभी, सीड बिल, जो बीज है जो हम अपने खेतों में बोते हैं, उस पर एक कानून आ रहा है, और उसका एक पुलिस स्टेशन अलग से खुलेंगे, जैसे महिलाओं के पुलिस स्टेशन खुले, जैसे बिजली के थाने खुले, ऐसे ही बीज के थाने खुलेंगे। बीज की कंपनी खेतों में रहेंगे और बताते रहेंगे जी उस किसान के वहां पर ये बीज वो रखा, हमारे वहां से खरीदा नहीं, हमारे बीज की चोरी करी है। तो बीज की चोरी करी तो उस पर मुकदमा भी होगा और सजा दोनों है उसमें। बिजली का यही हाल हो रहा है, बिजली के मीटर लग रहे, उल्टे सुधे मीटर चल रहे। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना, अपने संगठन को मजबूत करो, कोई किसी के उसमें भेदभाव नहीं, कोई जातीय संगठन नहीं है ये। एक महीने में किसी भी दिन रखेंगे, उसका डेट तय कर देंगे कि सिर्फ उसमें महिला ही पंचायत अपनी करेगी, गांव में बैठेगी, अपनी चर्चाएं करेगी, अपना सामूहिक जो भी मुद्दे होंगे उस पर रखना पड़ेगा उनको। तो आपने बात को सुना, अभी आप जितने भी हैं एक फोटो बन जाएगा, आप सब महिलाएं एक खड़े हो जाएंगे, आप पीछे को हो जाओ भाई।